सिंगरौली में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाए जाने के लिए जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश को 2025 तक टीबी से मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने की बात कही गई है। मीडिया कार्यशाला में डॉक्टर अतुल तोमर ने बताया कि अब राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम का नाम बदलकर क्षय उन्मूलन कर दिया गया है। देश को 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि चाहे प्राइवेट चिकित्सालय हो या शासकीय चिकित्सालय, मरीज का रजिस्ट्रेशन करने के बाद जांच की जाएगी, उन्हें शासकीय सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। यह अभियान दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जिले में 1196 चिन्हित ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि टीबी के मरीजों का इलाज डॉट्स के माध्यम से किया जाता है, नियमित दवाएं दी जाती हैं और 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी, बुखार, वजन में कमी, बलगम आदि का निरीक्षण किया जाता है। टीबी की जांच और उपचार दवा पूरी तरह से मुफ्त है। कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाने हेतु जन आंदोलन एक अभियान के अंतर्गत आज मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों को कार्यक्रम जो बस किए जाने हैं, मार्च मीडिया संचालित की जाने उनके बारे में जानकारी दी गई एवं उनके को एक जन आंदोलन बनाने सहयोग एवं सुझाव के बारे में चर्चा हुई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।